सुशांत सिंह राजपूत के 15 करोड़ रुपए, 17 करोड़ में से 15 करोड़ रुपए नहीं है, उन 15 करोड़ रुपए के बारे में जो FIR में जिक्र है, वो 15 करोड़ रुपए कहाँ हैं? लगातार उनकी जांच हो रही है। अब उसके बारे में एक नया खुलासा हुआ है, 15 करोड़ के बारे में एक शॉकिंग बात पता चली है। मैं आपको बता दूँ, रूमी जाफरी सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती को लेकर फिल्म बनाने वाले थे, और उन्होंने एक इंटरव्यू देकर कहा था कि उनकी एक फिल्म के लिए 15 करोड़ सुशांत को अमाउंट ऑफर किया गया है। ये इंटरव्यू आया था आज तक पे बहुत पहले। उसके बाद दोबारा इंडिया टुडे पर आज तक के ही सिस्टर कंसर्न चैनल पर रिया चक्रवर्ती जी ने आके एक इंटरव्यू दिया, और उन्होंने उस इंटरव्यू में बताया 15 करोड़ रुपये कहाँ पर हैं, 17 करोड़। तो उन्होंने कहा कि 17 करोड़ रुपये जो जिसका जिक्र किया जा रहा है, वो 17 करोड़ की फिल्म अब तक बनी ही नहीं। वो फिल्म जो ऑफ़र हुई थी, वाशु भगनानी ने ऑफ़र की थी सुशांत सिंह राजपूत को, जिसमें रिया चक्रवर्ती भी रहने वाली थी, उस फिल्म का साइनिंग अमाउंट या पूरा अमाउंट 15 करोड़ था, और वो पैसे आने थे। वो पैसे आए या नहीं, मिले या नहीं, मुझे नहीं पता। हालांकि एक बार उन्होंने कहा पैसे आए ही नहीं, मिले ही नहीं, पहले ही ऐसा बवाल हो गया। बाद में उन्होंने कहा मुझे नहीं पता पैसे आए या नहीं आए, लेकिन वो पैसे आने वाले थे, फिल्म तो हुई नहीं, लॉकडाउन शुरू हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि परिवार क्यों इसकी बात कर रहा है। उन्होंने कहा कि जब फरवरी में सुशांत के जीजा और दीदी बॉम्बे आए थे और सुशांत उनसे मिलने गए थे, तो सुशांत ने उनसे बताया कि मैं डिप्रेशन से उबर चुका हूँ, ये रिया की भाषा बता रही हूँ, और अब मुझे फिल्म भी मिल गई है, देखो मुझे 15 करोड़ रुपए की फिल्म मैंने कर ली है। या तो रिया ने कहा उसने बता दिया कि फिल्म पैसे आ गए थे या आने वाले, ये मुझे पता नहीं। तो ये लोग उस 15 करोड़ का जिक्र कर रहे हैं कि वो 15 करोड़ और उसके अलावा कोई 2 करोड़, तो 1.5-2 करोड़ उनके अकाउंट में है, और वो 17 करोड़। तो ये 17 करोड़ का आंकड़ा रिया ने बता दिया कि इस तरह से 17 करोड़ थे वो, जो सुशांत के पापा जिनका हिसाब मांग रहे हैं। अब क्या आपको रिया के इन 15 और 17 करोड़ों का हिसाब समझ में आता है? वो ये कह रही हैं कि उनकी आने वाली फिल्म से 15 करोड़ उनको मिलने वाले थे, अभी तक नहीं मिले थे, और उसकी उसका जो है हिसाब उसके पिता मांग रहे हैं। आपका इस पर क्या कहना है ज़रूर बताएँ। बने रहें हमारे साथ, लगातार खबरों का सिलसिला जारी है।